और ये यश जाते हुए सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग बर्थडे व्लॉग. सो 8 hours टू गो फॉर माई 18th बर्थडे और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और एक रील बनाने का सोचा हुआ है. देखते हो कितना एग्जीक्यूट कर पाता हूँ मैं, क्योंकि उस रील में क्या है ना कि 12 बजे सबका मैसेज आता है बर्थडे के दिन, तो मैं वो मैं सोचा हूँ काफ़ी महीनों से सोचा हुआ है वो. देखते हैं वो एग्जीक्यूट कर पाऊँगा कि नहीं. और अभी तो कुछ ऐसा प्लान है नहीं, क्योंकि सही में कुछ नहीं है ऐसा प्लान अभी. तो देखते हैं 12 बजे क्या होता है. मैंने ये व्लॉग ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर दिया, देखते हैं क्या क्या होता रहेगा इस व्लॉग में, पता नहीं मेरे को खुद को. और कल का ये प्लान है, मेरे फ्रेंड्स ने सब ने मेरे को बुलाया साउथ सिटी मॉल, तो देखते हैं उधर क्या मस्ती मजाक होगी. मैं उन लोग को ट्रीट दूंगा तो काफ़ी मज़ा आएगा. लेट्स स्टार्ट माई व्लॉग. ओके सो 10 मिनट्स टू गो फॉर बर्थडे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आप लोग मेरे फेस पे देख ही सकते हो. पर अभी कुछ करने को है नहीं तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था. ओके सो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कल थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था. जो मैं रील सोचा था ना उसमें क्या था कि 12 बजे सबका मैसेज आता है, वो मैं सोचा था कि ऐसा ही होगा. पर मैसेज आया लोगों का, बहुत सारा मैसेज आया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. पर 12 बजे नहीं आया तो वो मैं रील नहीं बना पाया, तो वो थोड़ा मूड ऑफ हो गया. पर एकदम ही सडनली पापा मम्मी आए. और वैसे तो मम्मी पापा है ना बहुत जल्दी सो जाते हैं, इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत जल्दी सो जाती है. तो पापा मम्मी ने भी एकदम कैजुअली बोला कि मैं सोने जा रहा हूँ रात को 12 बजे, मतलब विश कर पाऊँगा मैं तो कल सुबह विश करेंगे, सो गुड नाइट. तो मैं भी सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं. ये तो मेरे लिए कॉमन है क्योंकि पापा मम्मी जल्दी सो जाते हैं और इनफैक्ट मैं भी सो जाता हूँ. तो अचानक से मम्मी पापा आए और मेरे को ट्रेडिशनल पहनना बहुत पसंद है, कुर्ता पजामा बहुत पसंद है मेरे को पहनना. तो मेरे लिए वो लेके आए, बहुत ही बढ़िया कुर्ता था, मतलब मीन्स बहुत ही बढ़िया कुर्ता था वो. और केक लाए, वो भी अनएक्सपेक्टेड केक था, पता नहीं कब लेके आए, क्या प्लान किया, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है. पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ और उधर से मेरा मूड वापस से ठीक हुआ. सो गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू मी. और कल रात को 12 बजे जो पहले प्लान सोचा था वो तो नहीं हुआ, छोड़ो वो सब छोड़ो. और अभी का प्लान ये है कि 12 बजे मेरे को जाना है साउथ सिटी मॉल, फ्रेंड्स ने बुलाया था मेरे को, तो उधर जाएंगे, मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे. और वापस आने के बाद शायद से पापा के साथ कीर्तन में जाना है मेरे को, तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है. और थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर विशेस, बहुत अच्छा लगा मेरे को. और आप ये वीडियो मैं लेट डालूंगा तो आप लोग को अगर कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उधर भी सबका रिप्लाई करूंगा. और मैं आप लोग को साउथ सिटी मॉल जाते ही मिलता हूँ. सो अभी हम लोग मॉल पहुँच चुके हैं, साउथ सिटी मॉल. और यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी बढ़िया हुई हुई है 25 दिसंबर के लिए. मैं आपको ओवरऑल व्यू दे दूँगा, आपको व्यू दिखाता हूँ पहले. सो अपना फ्रेंड आ चुका है, वो ये था. आज हमें मिला है केक फ्रेंड्स की तरफ से, तो इसमें हम लोग को पहले मिल रहा है एक पिंक कलर का चाकू जिसको हम लोग यहाँ से पहले काटेंगे. शट अप एंड बेंड ओवर. ओह माय गॉड, अबे सही है भाई. हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, नॉट वेलकम. अभी निकाल, हाँ यहाँ से काट ले, खुला नहीं पड़ेगा. नहीं नहीं, अच्छा तो चाकू भी है, केक भी है, तो चलिए शुरू करते हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू,
शर्म आ रहा है। जाते हम देखो पूरा पूरा मूड खराब कर। मास्क उतारो बाबू। ले भाई रुको, एक एक में सबका नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा दिखा। कौन? अबे आज ही नया लिया, अबे गंदा हो जा रहे हैं। चल झूठा आ जा मैं। तो सब ने यहाँ पे एक खा लिया, यहाँ पे सब ने अभी केक खा लिया। बहुत ही बढ़िया केक है, थैंक यू। लेकिन तुम नहीं खाया अभी। मैं खाऊंगा अभी। थोड़ा मेकअप कर दे सुगर। नहीं नहीं मेकअप नहीं करूँगा। कहाँ पे खाएगा? मुंह पे नहीं लगा। Thank you. Cause I'm drowning in something. Nobody loves me. Nobody loves me. दिखाई नहीं दे रहा। अबे तू ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। अबे इतना लोग love you। ऐसे हाथ में लेके जाएगा। ऐसे? ऐसे पकड़ के लेके जाएगा। नहीं थैली में। थैली का हालत खराब है। थैली। क्या बोल रहा है भाई? अलग ही होगा। तो यहाँ पे cake grind करेंगे हम लोग। वो करना ज़्यादा ही grind। ये मेरा है। तो अपने बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए, अंदर टाइम जोन में बॉलिंग करेंगे। तो डेढ़ घंटा का टाइमिंग दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना केक है, बाहर बैठे हुए हैं। टाइम आएगा तो अपने अंदर जाके बॉलिंग करेंगे। पहला बंदा बॉलिंग करेगा। आता ना खेलना, देखते कैसा करता है ये। और ये यश जाते हुए सिर्फ गली में गया। शूट नहीं कर पाया, ऑफकोर्स मैं इंजॉय कर रहा हूँ।
प्लीज आप इसका चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कर दीजिएगा। पसीने से हाल बेहाल हो चुका है और हम लोग यहाँ से सीधा खाना खाने जाएंगे। तो हम लोग बर्गर किंग में आए ऑर्डर करने के लिए। ओके सो हम लोग फोटो वोटो सब खींच चुके हैं और फाइनली सारा फोटोज आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से सीधा घर जाएंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन सब हो गया, खाना पीना सब डन हो चुका है। तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स, तो अब सीधा हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। तो साउथ सिटी में कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है क्रिसमस के लिए, तो आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा डेकोरेशन है, पूरा लाइट्स लगा हुआ है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे। तो यहाँ पे गेम चल रहा है, पता नहीं क्या, तो हम लोग उसमें ज्वाइन कर लिए, मैं और सुजन ज्वाइन किया। ये सारे डरपोक, तो अब हम लोग खेलेंगे। सो हम लोग सेकेंड राउंड भी जीत चुके हैं, अपने दो है, सब आउट हो चुके हैं। ये मैं कहाँ आके फंस गया, ना जोश है नहीं शोर है। ओके सो मैं जान मुझ के निकल गया, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं है और बकवास सा गेम है। असली बात बोल, तेरे को निकाल दिया गया, कट गया तेरा। ठीक है जो भी है, पर लास्ट में जीतने में कप ही मिलता है तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं निकल गया, अभी यहाँ से हम लोग सीधा घर जाएंगे। यार ये काफ़ी अच्छा सजावट किया हुआ है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा सजावट है। पूरा मॉल देख लीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छा सजावट है, सही है। ओके सो मैं अभी एडिट कर रहा था, तो मैं वो वाला पार्ट बोलना ही भूल गया कि मैं घर आके ड्रेस चेंज करके कीर्तन में चला गया हूँ। बहुत लेट हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ही लेट आया, तो मैं वहाँ से सीधा कीर्तन चला गया। और कीर्तन में भी ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत साउंड था उधर, बहुत ज़ोर से कीर्तन चल रहा था। तो बस थोड़ा सा ग्लिम्सिंग वीडियो है, वही आप देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।